नतीजे आने वाले हैं और यहाँ पर किस तरह का आकलन कर किया जा रहा है नतीजों का, सृष्टि सहयोगी बता रही है। सृष्टि, इस बार ठीक ठाक नतीजे आने की उम्मीद है बजाज ऑटो से, ना ही ज़्यादा अच्छे ना ही ज़्यादा खराब, क्योंकि मार्जिन जो हैं लगभग 19 से 20% के स्थिर आते हुए दिखेंगे और ये तिमाही दर तिमाही या साल दर साल देखें तो इतने ही लेवल्स पे मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम से अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि अगर हम इनकी टोटल वॉल्यूम्स देखें तो वो साल दर साल लगभग 24% बढ़ी हैं, पर तिमाही दर तिमाही वहाँ पर 11% का गिरावट हमने ज़रूर देखी है। डोमेस्टिक वॉल्यूम से खास तौर से सपोर्ट मिला है, एक्सपोर्ट्स में भी एक बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर, पर डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में ज़्यादा अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली है। अगर नंबर्स की बात करें तो इनके आय हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11,180 करोड़ के आसपास रहेगी, एबिटा मार्जिन 22,224 के आसपास रहने की उम्मीद है और मार्जिन जैसा कि बताया 20% के आसपास आने का अनुमान लगा रहे हैं। और मुनाफे के फिगर में हम देखें तो 30% की साल दर साल बढ़त, पर तिमाही दर तिमाही 8% की गिरावट दिख सकती है कंपनी के नतीजों में, खास तौर से कंपनी के प्रॉफिट में। और इस बार हमारी उम्मीद है कि 1,870 करोड़ जो है कंपनी का मुनाफा रह सकता है। इसके अलावा अगर हम फोकस करें तो खास तौर से रिलाइजेशंस, इनके पूरे पोर्टफोलियो में ईवी का मिक्स कितना है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि बजाज ऑटो की तरफ से फर्स्ट CNG बाइक लॉन्च होगी, तो उसको लेकर क्या कुछ कॉमेंट्री आती है उस पर भी हमारी पैनी नज़र रहेगी। चलिए, तो इन्फोसिस, बजाज ऑटो दोनों के ही नतीजों पर कल